सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की किस्मत को रातों रात चमका देती है। आप लोगों का प्यार उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जहां कल तक उन्हें कोई जानता नहीं होता है, वहीं मात्र आपका एक लाइक उन्हें रातों रात पॉपुलर बना देता है और लोगों का दीवाना बना देता है। आज की इस वीडियो में हम आज ऐसे ही 10 मोस्ट फेवरेट सोशल मीडिया स्टार की बात करेंगे जिन्हें आपने दिल खोल के प्यार दिया और उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। कल तक जहां वो झुकी झोपड़ी बस्ती में रहते थे, आज महलों में राज कर रहे हैं। आखिर वो कौन है 10 सोशल मीडिया स्टार जिन्हें आपने दिल खोल के प्यार दिया? तो चलिए, क्या आपका फेवरेट स्टार इस लिस्ट में है कि नहीं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, विशाल पांडे। विशाल पांडे सोशल मीडिया के वो स्टार हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना सोशल मीडिया पे राज करेंगे, क्योंकि जब इन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था तो ये बहुत ज़्यादा डरे रहते थे और रूम के अंदर बंद होकर वीडियोस बनाते थे। लोग इनके बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, खासकर इनके दोस्त इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तब भी वो रुके नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं आज रुक जाऊंगा तो कल बहुत कुछ खो दूंगा, और ऐसा ही होता। अगर वो तब रुक जाते तो लोगों का इतना प्यार इन्हें कभी नहीं मिल पाता और ना ही ये अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ पाते। जो दोस्त कल उनका मजाक उड़ाते थे, आज उनकी तारीफ करते हैं और उनकी तरह वीडियोस बनाने का सोचते हैं। इन्होंने अभी हाल में ही यंग अचीवर अवार्ड अपने नाम किया है, और अगर इनके फॉलोवर्स की बात की जाए तो इनके इंस्टाग्राम पर 8.2 मिलियन फॉलोवर्स है, और ये कभी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे और लोगों का प्यार इन पे हमेशा ऐसे ही बरकरार रहा। नंबर 9, खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने, वाह। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने, बाद में आग लगा दी। खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी सोशल मीडिया का ऐसा पहला और सबसे ज्यादा चहेता कपिल है जिन्हें लोगों ने दिल खोल के प्यार दिया। इतना प्यार दिया कि आज भी इनका प्यार बहुत ज़्यादा बरकरार है और इनके ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जहाँ पर YouTube पर इनके 3.82 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहीं खुशी के Instagram पर 6 मिलियन और विवेक के 1.1 मिलियन Instagram पर फॉलोवर्स हैं। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ओवरऑल ये इन लोगों के 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। इन्होंने जब शुरुआत की थी तो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझे इतना प्यार देंगे और हमें इतना आगे तक पहुंचा देंगे। आज इनके पास वो सब कुछ है जो ये चाहते हैं। नंबर 8, मुस्कान शर्मा। दिल तो हर जगह से टूटा हुआ है मेरा, दिल के हर कोने हर दीवार में छेद है, मगर कोई तो हो जो झांक कर अंदर आने में दिलचस्पी रखे, झांक कर भागने में नहीं। मुस्कान शर्मा सोशल मीडिया की ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों की दिन पर दिन फेवरेट होती जा रही हैं। जब इनका शादाब के साथ ब्रेकअप हुआ और इनका 7 साल का रिश्ता टूटा, तो भले ही शादाब ने इन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन मुस्कान का हाथ आप लोगों ने कसके पकड़ रखा और इन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया, और यही वजह है कि मुस्कान अपने करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। आप लोगों का प्यार ही है जो मुस्कान को थामे रखा और डिप्रेशन में जाने से बचा लिया, और उनकी मम्मी ने भी इस सिचुएशन में इन्हें बहुत हेल्प की। मुस्कान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने अभी हाल में राबता राबता एल्बम सॉन्ग किया है। अगर इनके सोशल मीडिया में फॉलोवर्स की बात की जाए तो इंस्टाग्राम पर 5.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वहीं यूट्यूब पर 1.26 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नंबर 7, रियाज अली। जरूरत ही नहीं किसी को ये बताने की कि कौन है, जो जानते हैं वो मानते हैं। रियाज अली सोशल मीडिया के ऐसे स्टार हैं जो बहुत ही यंग एज में बहुत तेजी से वायरल हो गए थे। इतने वायरल हो गए थे कि अचानक से कोई नहीं इतना वायरल हुआ था, और लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हैं। और आज भी ये 18 साल के हैं, ये 16 साल की उम्र में वायरल हुए थे, लेकिन आज भी लोगों ने इन पर इतना प्यार बना के रखा है कि इंस्टाग्राम पर ये रील्स बनाते हैं तो वहाँ पर इनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाते हैं। अगर इनके इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स की बात की जाए तो 23.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और इन्होंने ना जाने कितने एल्बम सॉन्ग किए हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ, और टोनी कक्कर के सॉन्ग में तो ये हमेशा दिख जाते हैं। नंबर 6, आवेश दरबार। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की
साजिश की है। आवेश दरबार सोशल मीडिया के रियल कंटेंट क्रिएटर के नाम से जाने जाते हैं। वो जितना बेहतरीन रियल कंटेंट सोशल मीडिया पे देते हैं, उतना ही बेहतरीन वो डांस भी करते हैं। आज वो जो भी हैं, वो अपने दम पर हैं। लेकिन वो अपने पापा का नाम लेकर बॉलीवुड में नाम कमा सकते थे, क्योंकि उनके पापा बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार हैं, जिनका अच्छा खासा नाम है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके अंदर टैलेंट था जिसकी वजह से वो आगे आए और लोगों ने उनकी टैलेंट को पहचाना और बहुत ढेर सारा प्यार दिया और आज कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर आज इनके सोशल मीडिया में फॉलोवर्स की बात की जाए तो इंस्टाग्राम पर 12.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वहीं यूट्यूब पर 6.63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ डांस वीडियोस डालते हैं और इन्होंने अभी हाल में ही मैकडी का ऐड किया है, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। नंबर 5, चिंकी मिंकी। मन दे प्यार। चिंकी मिंकी सोशल मीडिया का ऐसा नाम जिसने सबको कंफ्यूज कर रखा है, आखिर कौन है चिंकी और कौन है मिंकी। और इसी कंफ्यूजन ने इन्हें द कपिल शर्मा शो में पहुंचा दिया। उसके बाद इन्हें बहुत ढेर सारा प्यार मिला और बहुत फेम मिली और कई अवार्ड से इन्हें नवाजा भी गया। ये अभी हाल में सब टीवी का शो हीरो गायब मोड ऑन पे काम कर रही है और अभी इन्होंने हाल में एक पिक्चर भी साइन किया है। इन्होंने सोशल मीडिया से इतने पैसे कमा लिए हैं कि अभी दिल्ली में अपना एक घर भी खरीद लिया है। अगर इनके सोशल मीडिया में फॉलोवर की बात करें तो इंस्टाग्राम पर 9.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वहीं यूट्यूब पर 2.63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नंबर 4, जन्नत जुबेर। जन्नत जुबेर एक सोशल मीडिया क्वीन जानी जाती है। वो सोशल मीडिया पे अचानक से आई थी क्योंकि वो टीवी का बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस थी। उन्होंने फुलवा और तू आज की जैसे में बहुत ही अहम रोल निभाया था, जिनसे उन्हें एक अलग पहचान मिली थी। उन्होंने 9 साल से ही अपने करियर की स्टार्ट कर दी थी टीवी पे, लेकिन अपने भाई के कहने पर वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने लगी। लेकिन उन्हें इतना नहीं पता था कि लोग उन्हें इतना प्यार देंगे। जितना वो टीवी से नहीं जानी जाती थी, उतना वो सोशल मीडिया से जानी जाने लगी और उन्हें ढेर सारे म्यूजिक एल्बम मिलने लगे और जन्नत ने टीवी छोड़ दिया। आप लोगों का प्यार ही है कि इन्हें अभी हाल में बेस्ट एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर के अवार्ड से नवाजा गया। और अगर इनके सोशल मीडिया में फॉलोवर्स की बात की जाए तो इनके इंस्टाग्राम पर 38.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वहीं यूट्यूब पर 3.23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इन्हें अभी हाल में एक पिक्चर में साइन भी किया गया है। नंबर 3, रोहित जिंजुरकी। और ये बात मैंने तब सीख ली थी जब मैं 16 साल का था कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ऐसे नहीं, ऐसे। रोहित जिंजुरकी आज एक रिएक्शन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। वो एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन आज आपके प्यार ने उन्हें कालीशान घर में पहुंचा दिया है। अभी हाल में ही उन्होंने बहुत ही महंगी कार ली है। वो एक सेल्समैन का काम करते थे कपड़ों की दुकान पे, जहां उन्हें मात्र चंद पैसे मिलते थे। लेकिन आज आपके प्यार ने उन्हें सोशल मीडिया स्टार बना दिया है और आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है कि आज वो रियाज और मिस्टर फैजू का टक्कर दे रहे हैं। अगर आज उनके सोशल मीडिया में फॉलोवर्स की बात करें तो इंस्टाग्राम पर 17.4 मिलियन फॉलोवर्स है, वहीं यूट्यूब पर 2.61 मिलियन सब्सक्राइबर है। नंबर 2, मिस्टर फैजू। गुरूर से देख लो मेरी आंखों में, दुश्मनों खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं। मिस्टर फैजू सोशल मीडिया का आज एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया किंग के नाम से जाना जाता है और सोशल मीडिया पे राज करता है। किसी को क्या पता था कि धारावाहिक के एक मामूली बस्ती में रहने वाला लड़का आज सोशल मीडिया पे ऐसे राज करेगा कि जिसे कल तक कोई नहीं जानता था, आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी उन्हें जानते हैं। उनका रहना, उठना और बैठना हो जाएगा। आज वो एक आलीशान फ्लैट में रहते हैं और महंगी महंगी कारों में घूमते हैं और देश विदेश की यात्रा करते हैं और ढेर सारे म्यूजिक एल्बम करते हैं। भले ही मिस्टर फैजू छोटी मोटी कंट्रोवर्सी में फंसे हों और लोगों का थोड़ा बहुत हेट मिला हो, लेकिन मिस्टर फैजू ने हमेशा से कंट्रोवर्सी से दूर रहे हैं और जनता का ढेर सारा प्यार बटोरा है। अगर आज उनके फॉलोवर्स की बात करें तो इंस्टाग्राम पर 25.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वहीं यूट्यूब पर 1.36 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नंबर 1, दानिश जैन। सोचा था अगर मैं मिलूंगी तुझे, मेरे दिल की बातें। दानिश जैन सोशल मीडिया का ऐसा नाम कि अगर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया दानिश जैन की वजह से जाना जाता है तो गलत नहीं होगा। एक आम लड़की को आप लोग इतना प्यार दिए कि उसे सेलिब्रिटी बना दिए और उसे टीवी तक पहुंचा दिए। दानिश जैन ने टीवी के रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया था
और आज भले ही वो हम लोगों के बीच में ना हो, सोशल मीडिया में आज इनके इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि आज भी लोग इन्हें भूले नहीं हैं और आज भी इन्हें उतना ही प्यार करते हैं। अगर आज इनके सोशल मीडिया में फॉलोवर्स की बात की जाए तो इनके इंस्टाग्राम पर 2.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वहीं यूट्यूब पर इनके 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और 20 दिसंबर 2018 को भले ही हम लोगों ने इनको खो दिया है, लेकिन आज भी हम लोगों के दिल पे ये राज करते हैं और आज भी हमारे फेवरेट हैं। क्या आपके दानिश जैन आज भी उतने फेवरेट हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थे इंडिया के 10 मोस्ट फेवरेट सोशल मीडिया स्टार, जो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे और अपने आप को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखा और अपने करियर में आज बहुत आगे हैं और लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा बटोरा। क्या आपका कोई फेवरेट स्टार हमसे छूट गया है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती हूँ और मेरी वीडियोस पहुँचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।